प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल भी जाने वाले हैं और यहां पर खास तौर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन का शुभारंभ वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां आखिरी चरण में चल रही है। इसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। सीएम शहडोल दौरे के दौरान पकरिया में वो जनजाति समुदाय के साथ भोजन भी करेंगे, जिसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चौपाल ग्रामीण परिवेश में दिखे, इसके लिए भी प्राचीन भारत से जुड़ी संस्कृति का खासा ख्याल रखा जा रहा है। पीएम के लिए भोजन पकाने से लेकर परोसने तक में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का कभी मुख्य हिस्सा हुआ करती थी। पीएम मोदी के लिए कांसे की थाली, महुआ के पत्तल में भोजन परोसा जाएगा। पीएम चंदिया की मशहूर सुराही का पानी भी पिएंगे। शहडोल प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और मुख्यमंत्री का भी अलग अंदाज दिखा, वो तो उस दिन तो दिखाई देगा प्रधानमंत्री का अलग अंदाज, लेकिन आज मुख्यमंत्री का अनोखा अंदाज दिखा। शहडोल पहुंचे हुए थे और यहां पर सड़क पर जामुन बेच रही महिला के पास अचानक से मुख्यमंत्री पहुंच गए और पूछ लिया कि अम्मा जामुन कैसे दिए। जाहिर सी बात है, अगर मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया अचानक से आपके पास पहुंच जाए और पूछ ले कि जामुन कैसे दिए, तो हैरान हक्की बक्की महिला रह गई। सीएम ने महिला से जामुन लिए भी, उसे चखा भी, महिला का हालचाल भी जाना। सड़क पर मजदूरी कर रही महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की और मुख्यमंत्री को अपने सामने देखकर महिलाओं के चेहरे खिल गए। पकरिया गांव में मजदूरों ने सीएम से मुलाकात की, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम ने मजदूर भाइयों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मजदूरों ने सीएम के साथ फोटो तक खिंचवाया। सीएम ने मजदूरों से बात कर लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी दी। जामुन का घर पे है ये लाडली बहना का पैसा मैंने भेजा था, मिल गया सबको, मिल गया सबको, मिल गया। सियाने दिन को नहीं मिलता है पैसा, 8 साल उसमें पेंशन वाला अलग से कर है ना। आपकी कितनी उम्र होगी? 65। और चुनावी साल की बात कर लेते हैं, तो चुनावी साल है और पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। किसी का कुनबा बढ़ रहा है तो किसी का घट रहा है। भिंड में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के विधानसभा क्षेत्र में 50 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में प्रवेश कराया। लहार विधानसभा क्षेत्र में 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथ का साथ छोड़ना कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। और चुनावी साल है तो नेताओं की जुबान भी बेलगाम होती जा रही है। छतरपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने बीजेपी को कोसते कोसते बीजेपी के नेताओं को गाली दे दी। अब कांग्रेस नेता के ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन छतरपुर के छत्रसाल चौक पर रखा गया था। भाजपा के टीवी का नाम लोग जो भी जो आप देखा चाहिए, आप देखा चाहिए, जितने भाजपा ही है सब चोर और डाकू है। कहां से शुरू हुए थे? अरे चलिए साइकिलो नदी आप देगा आठ आम दफ्तर चलिया थोड़ी लठाड़ी तीन तीन लाख की मोटरसाइकिल ठाड़ी ले देना नहीं सी और वो तो मकान देखो उनके। अरे उनकी शुरुआत देखो कहां से आती इन हतो का छतरपुर वालों, अगर हम कल गलत बोल रहे हैं तो आके हम सब बात बात कर लो एक जन को। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ जी से जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश जी ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर मंच पर महिलाएं उपस्थित थी और वो बहन की गालियां दे रहे हैं, क्या यही है आपकी नजरों में नारी सम्मान? क्या इसी प्रकार से बहन बेटी उनके बीच में जाकर, उनके बीच में उपस्थित रहकर आप इस प्रकार से माँ बहन की गालियां देंगे और फिर कहेंगे कि हम नारी सम्मान कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग को सामने आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और जो आपकी विकृत मानसिकता है जो जनता के सामने आ गई है उसको लेकर। और एक और अहम खबर की बात करते हैं, उज्जैन से खबर है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। रोक कब तक रहेगी? जुलाई से लेकर सितंबर के महीने तक गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। क्यों रोक लगाई गई है? सावन का महीना बिल्कुल सामने है और इसको देखते हुए यह फैसला किया गया है। मंदिर प्रबंधन की बैठक में यह फैसला किया गया है। इसके अलावा 11 जुलाई से उज्जैन क्षेत्र के रहवासी जो हैं
उनको मंदिर में अलग से एंट्री मिलने वाली है। आपको बता दें कि सावन के महीने में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ जाती है। बाबा महाकाल की सोमवार को तो सवारी खास तौर पर निकलती है, दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के संबंध को लेकर मंदिर प्रबंधन की तरफ से यह फैसला किया गया है कि अंदर प्रवेश गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। स्वरूप में निकले, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके बारे में निर्णय लिया गया। जन सुविधाएं मंदिर में जुटाने के लिए अन्य क्षेत्र का और विस्तार, उसके अलावा पीने के पानी और शौचालय की सुविधा के लिए निर्णय लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 सेकंड में खबर। सीहोर में वीएचपी की जनजागरण यात्रा, विश्व हिंदू परिषद ने निकाली जागरूकता रैली, धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ चलाया गया अभियान। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुए हिंदू संगठन 30 जून से वीएचपी की मालवा प्रांत की 3 दिवसीय बैठक, लव जिहाद धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर होगा मंथन। भिंड में कांग्रेस को झटका, बीजेपी में शामिल हुए 50 कांग्रेसी, लहार के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छोड़ी कांग्रेस। बाबा महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश हुआ बंद, जुलाई से सितंबर तक बंद रहेगा प्रवेश, सावन को लेकर लिया गया निर्णय। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर, आरटीओ संजय तिवारी को हटाया गया, भ्रष्टाचार संबंधित मामले में विभाग ने की थी कार्रवाई। उज्जैन में जमीनी विवाद में चल गई तलवार, दादा ने पोते पर ही किया तलवार से वार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। शहडोल के दौरे पर मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे प्रधानमंत्री। शहडोल के पकरिया गांव में पीएम मोदी लगाएंगे चौपाल, महिला सशक्तिकरण की मिसाल है गांव, सरपंच उप सरपंच समेत 20 में से 13 महिला पंच। राजगढ़ में कल से बाबा बागेश्वर की कथा, आज हजारों महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, खिलजीपुर के स्टेडियम ग्राउंड में 3 दिन तक बहेगी भक्ति की धारा। दतिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भव्य स्वागत, सिविल लाइन में ट्रैफिक चौकी के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफिला रोककर किया स्वागत। भोपाल में नर्मदा के जल के लिए अनूठा प्रदर्शन, दानिश नगर के रहवासियों ने लगाए घर के बाहर बैनर, लोगों से मटका बजाने की अपील। पूर्व डीएसपी बीडी पांडे ने अपने समर्थकों के साथ बसपा में किया प्रवेश, विधानसभा चुनाव में आजमा सकते हाथ, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के सामने ली सदस्यता। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने खेत में चलाया ट्रैक्टर, किसानों के साथ खड़ी है सरकार। उधर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा, जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर की गई मारपीट। श्योपुर जमीन विवाद मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, पीटने वाले दबंग को छोड़ पुलिस ने महिला और पीड़ित बेटी पर दर्ज कर दी एफआईआर। भोपाल में चलती बाइक पर हुए स्टंट, वीआईपी रोड पर चलती बाइक के ऊपर स्टंट, वीडियो के आधार पर पुलिस करने वाली है कार्रवाई। रीवा में लिपिक सहायक ग्रेड 3 महेंद्र प्रताप सिंह को जेल, आय से अधिक संपत्ति मामले में भेजा गया जेल, पत्नी और बेटी को मिली जमानत। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।